तो आज बात करूंगा फोर फैंटेस्टिक फोर मूवीज के बारे में। फैंटेस्टिक से पहले फोर इसलिए लगाए क्योंकि फैंटेस्टिक फोर के ऊपर चार मूवीज आ चुके हैं। सबसे पहले आई थी द फैंटेस्टिक फोर के नाम से 1994 के अंदर, फिर उसके बाद एक न्यू वर्जन आया था 2005 के अंदर फैंटेस्टिक फोर के नाम से, और 2007 में इसी का सीक्वल यानी 2005 का सीक्वल आता है फैंटेस्टिक फोर राइजिंग ऑफ द सिल्वर सर्फर के नाम से। और फिर पता नहीं मेकर्स ने क्या सोचा, एक दोबारा से न्यू कास्ट के लेकर एक नई मूवी बनाई जाती है फैंटेस्टिक फोर से, जो 2015 में आई थी। जो 1994 में फैंटेस्टिक फोर मूवी आई थी वो पिट गई भाई साहब, बहुत बुरे तरीके से पिटी, और जो 2015 में आई वो भी पिट गई क्योंकि उसका इतना ज्यादा बैड एग्जीक्यूशन था, मतलब किसी को पसंद आने वाली नहीं थी। अब बात करें फैंटेस्टिक फोर के बारे में, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक फैंटेस्टिक फोर नाम की एक सीरीज आया करती थी, एनिमेटेड सीरीज, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। उस एनिमेटेड सीरीज ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, जिसके चलते मेकर्स को लगा क्यों ना एक लाइव एक्शन मूवी बनाई जाए, और इसके ऊपर बनाई गई जो 1994 की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि भाई साहब वो पिटी थी, 2015 वाली भी पिटी थी। जो सही ढंग से काम की, जो मुझे एंटरटेनिंग लगी, 2005 और 2007 वाली फैंटास्टिक फोर और फैंटास्टिक फोर राइजिंग ऑफ द सिल्वर सर्फर, ये दोनों मूवी। ओके, तो बात करेंगे फैंटास्टिक मूवी जो 2005 में आई थी उसकी स्टोरी के बारे में। फैंटास्टिक फोर में चार मेन कैरेक्टर, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, चार मेन कैरेक्टर है। एक जो पहला है रीड, सेकंड है बेन, थर्ड है सुसैन, और फोर्थ है सुसैन का भाई जॉनी, यानी हमारे प्यारे कैप्टन अमेरिका भैया। रीड जो कैरेक्टर वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसी के साथ वो डरपोक भी बहुत ज्यादा है, और उसको एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है, उसको पता चलता है कि स्पेस में एक कॉस्मिक वेव आने वाली है जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी है जो ह्यूमन जाति के लिए काफी अच्छी हो सकती है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो अपने बाकी इन तीन साथियों को मनाते हैं, तो चलो भैया स्पेस एक बार घूम के आते हैं, वहां पर ये कॉस्मिक वेव के बारे में पता करेंगे। तो ये वहां पर जाते हैं, तो वहां पर एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है इन चारों के साथ में कि इनके पास पावर्स आ जाते हैं। जब ये धरती पे आते हैं तो इनको पता चलता है कि इनके शरीर में कुछ अलग ही एक्टिविटी हो रही है जिनके चलते इनके पास पावर आ गई है। रीड के पास जो पावर आती है वो अपने शरीर को रबड़ की तरीके से बहुत लंबा कर सकता है, और जो सुजैन के पास पावर आती है वो अपने आप को गायब कर सकती है, और इसके पास इनविजिबल फोर्स आ जाता है, मतलब गायब के अलावा और भी सारी चीजें वो कर सकती है, बहुत सारी चीजें वो कर सकती है, और उसके ज्यादा गुस्सा आता है तो इसकी पावर बढ़ जाती है। और जो हमारे प्यारे कैप्टन भैया उनके पास पावर आती है कि वो आग बबूला हो सकते हैं, मतलब कि वो अपने शरीर में आग लगा सकते हैं ज्यादातर, मतलब 4000 केल्विन जितना मैंने पढ़ा था इतनी उनके पास तापमान पहुंचाने की पावर आ जाती है। और जो फोर्थ कैरेक्टर है वो बेन, वो एकदम हल्क जैसा हो जाता है, लेकिन हरा तो नहीं होता, बस वैसा ही उसकी इतनी पावर आ जाती है, बस फर्क इतना होता है कि हल्क के पास दिमाग नहीं होता और इसके पास मोटा दिमाग होता है। फैंटास्टिक फोर जो 2005 में आई थी उसकी बेसिकली कहानी यही है कि इन चारों को पावर मिलती है, ये अपनी पावर को समझते हैं, मतलब कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इनके ऊपर वर्क चलता है। और एक इसके साथ जो विलन दिखाया गया डॉक्टर डूम, जो इन्हीं के साथ स्पेस में गया हुआ होता है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया क्योंकि यार सारी चीजें थोड़ी ना बताई जाती, उसके पास भी मतलब पावर आती है, उसके ऊपर भी कॉस्मिक वेव का असर होता है, तो उसके पास भी पावर आती है। तो वो अब कैसे फैंटास्टिक फोर के रास्ते में एक अड़चन बन के आता है, और फैंटास्टिक फोर कैसे उसे अपने रास्ते से हटाते हैं, तो ये सारी चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। स्टोरी इस मूवी की मुझे काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एनिमेटेड सीरीज देखता आया था, तो मुझे इसको लाइव एक्शन मूवी में देखना काफी अच्छा लगा था। बट एनिमेटेड सीरीज में जो स्टोरी जो डेवलप की गई वो फार बेटर है जो लाइव एक्शन मूवी के अंदर हमें दिखाई गई, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो यार वो भी इतना अच्छा नहीं लगा लाइव एक्शन मूवी के अंदर, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट एनिमेटेड सीरीज के अंदर तो काफी अच्छे से हमें दिखाया गया था, जैसे हम उससे ऑलरेडी परिचित होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो इसके अंदर इतनी पता नहीं चलता कि हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट करवाया गया नहीं करवाया गया। शायद जो पहली बार इसको देखे जिन्होंने एनिमेटेड सीरीज नहीं देखी होती है फैंटास्टिक फोर की, शायद उनको ये कमी महसूस हो सकती है। जब फर्स्ट टाइम इस मूवी को देखा था तो काफी ज्यादा पसंद आया था, लेकिन अब दोबारा जाके देखा तो इसमें थोड़ी बहुत कमियां नजर आई, वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने रिव्यू चैनल ओपन कर रखा है जिसके ऊपर व्यूज नहीं आते। यार मूवी 2005 में तो थोड़ा सा आपको ओल्ड फीलिंग आएगी, लेकिन वीएफएक्स काफी अच्छे हैं, इसके स्टोरी भी अच्छी है, हंसमुख है, कॉमेडी है इसके अंदर डाली गई है, मतलब एंटरटेनिंग है ये मूवी, आप इसे वन टाइम कंसीडर तो कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। अगर आप इसका एनिमेटेड सीरीज देखते थे जो कार्टून नेटवर्क पे आया करती थी, शायद कार्टून नेटवर्क पे आया करती, तब तो मैं भूल भी गया, अगर आप लोगों ने वो देखी तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, काफी अच्छी एक मूवी है, मैंने कहा ना वन टाइम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस मूवी में, थैंक्स इस वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।